स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज है छठ पूजा का दूसरा दिन। टाइम देख लो कितना हो रहा है, सुबह का 5:30 बज रहा है। हाँ जी, हम लोग एकदम रेडी हो गए। पापा इधर भी देख लो, ज्वाइन कर लिए। एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग का प्लान था 3 बजे निकलने का, क्योंकि हम लोग को पता है 3 बजे ही हम लोग सोने जाते हैं। अगर 3 बजे हम लोग घर में रह गए ना, प्लान 100% कैंसिल होना ही होना है। ये वाला प्लान के लिए हम लोग 4 दिन से वेट कर रहे हैं, 4 दिन से कि आज जाएंगे। लेकिन आज फाइनली छठ पूजा वाले दिन प्लान ये सक्सेस हुआ है कि हम लोग निकल गए। अभी भी पूरा वीडियो शूट हुआ नहीं है। वैसे वीडियो की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को टाइटल और थंबनेल से तो आइडिया लग ही गया होगा कि आज का जो मेरा वीडियो कौन से टॉपिक पे होने वाला है। आज वाले वीडियो में आप लोग देखने वाले हो कोलकाता का top 5 ब्रेकफास्ट, और ये हम लोगों का फेवरेट है। जो ब्रेकफास्ट हमें अच्छा लगता है कोलकाता का, हम लोगों ने अपने हिसाब से उसको top 5 रैंक किया है। एक्चुअली देखो, ये मैं अभी सीरीज एक स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी जैसे कि आज मैं कर रहा हूँ top 5 ब्रेकफास्ट। अगर मैं देखूंगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो मैं top 5 कोलकाता का लंच दिखाऊंगा, फिर थिंग्स टू डू इन कोलकाता top 5, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो, क्या क्या अच्छा खाना यहाँ ट्राई कर सकते हो अगर आप कोलकाता आ रहे हो घूमने के लिए। क्योंकि आपको ही पता है अभी ठंडा का मौसम आ गया है और ये घूमने वाला मौसम है, तो बहुत लोगों का प्लान बन सकता है। अगर आपका यहाँ बन रहा है शायद हेल्प हो जाए हमारे वीडियो से। हो सकता है। बाय द वे, ये सामने ही घाट है हमारे, तो काफी भीड़ है। अभी हम लोग अंदर गए थे, अभी तो हम लोग निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट ट्राई करने के लिए। अपना पहला ब्रेकफास्ट हम लोग करने जा रहे हैं। और वैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो कि और भी क्या क्या ब्रेकफास्ट हम लोग ऐड कर सकते थे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। और बाकी लंच का भी आइडिया दे देना कि top 5 लंच में हम लोग किसको किसको रख सकते हैं। वैसे तो हम लोगों ने लिस्ट बना लिया है किसको किसको रखना है, लेकिन शायद आप बता दो, शायद हम लोग को आइडिया मिल जाए थोड़ा बहुत। और एक तो चीज तुम ये भी बोल दो ना कमेंट में, जो हम लोग को अच्छा लगेगा नेक्स्ट वीडियो में वो तुम बता दो कि ये बंदा ये बोला है। और एक बात, अगर हमें आपका सजेशन अच्छा लगा कि हाँ ये लंच हम भूल रहे थे, आपने याद दिला दिया, हम लोग ट्राई करेंगे जो उसका अगला वाला वीडियो होगा ना उस कमेंट को शॉर्ट आउट देने का। तो कमेंट करते रहो, बताते रहो क्या क्या हो सकता है। बाकी हम लोग अभी निकलते हैं। इतना खाली हम लोगों ने लास्ट टाइम इस ब्रिज को लॉकडाउन में ही देखा था। जो हम लोग खाना वगैरह देते थे यहाँ पे ऐसे ही खाली रहता था। हावड़ा ब्रिज को देखो कितना अच्छा लग रहा है। बड़ा बाजार को इतना खाली देख लो, ज्यादा नहीं 2 घंटा बाद पूरा भीड़ हो जाएगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टेरिटी बाजार, उसको पुद्दार पोर्ट बोलते हैं, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। आपको पता होगा मैंने बहुत पहले एक मोमो पे वीडियो बनाया था, सुबह सुबह वो मोमो मार्केट लगता है। फाइनली हम लोग टेरिटी मार्केट में पहुंच गए हैं। देख लो इतना सुबह मोमो हमें मिल चुका है। तो अभी एक पोपट हो गया है हमारा जो पहला डेस्टिनेशन था मोमो, ये टेरिटी बाजार का मोमो मार्केट जो सुबह सुबह लगता है। यहाँ पे वेज मोमो का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आज वेज का कुछ ऑप्शन ही नहीं है और हम लोग आज नॉन वेज कुछ खा नहीं सकते। एक चीज है, अगर आपको नॉन वेज कुछ खाना है सुबह सुबह तो आप लोग इधर आ सकते हो। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे ना इधर, तब यहाँ पे वेज मोमो का ऑप्शन था, लेकिन अभी पता नहीं क्यों नहीं है। अगर आपको नॉन वेज मोमो सब खाना है तब आप लोग इधर आ सकते हो। बाकी हम लोग निकलते हैं, दूसरे लोकेशन पे जाते हैं, दिखाते हैं आपको। तो टेरिटी बाजार वाला तो फेल हो गया हमारा, इसलिए हम लोग आ गए हैं अभी स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ का चाय और मलाई टोस्ट ट्राई करने के लिए। पुनः दुकान कोना दुकान है, ये हमारे ब्रेकफास्ट लिस्ट में नहीं था, लेकिन वो टेरिटी बाजार वाला पोपट हो गया। वेज मोमो था ही नहीं वहाँ पे, इसलिए हम लोग वो नहीं दिखाया। लेकिन हाँ, वो जो टेरिटी बाजार वाला मोमो मार्केट है ना, वो नॉन वेज मोमो के लिए ही फेमस है। नॉन वेज मतलब हर टाइप का मोमो वहाँ पे मिलता है, वेज मोमो वहाँ खाने कोई जाता भी नहीं। लेकिन मुझे लगा कि हाँ, ब्रेकफास्ट वहाँ पे बहुत लोग ट्राई करते हैं, इसलिए मैं उसको लिस्ट में रखा था और वो जगह आपको दिखाता। वो तो नहीं हो पाया, इसलिए मैं अपने दूसरे लोकेशन पे आ गया हूँ। यहाँ का मलाई टोस्ट और चाय, सैंडविच वगैरह का भी ऑप्शन है, लेकिन हम लोग मलाई टोस्ट खाएंगे, एक इसका और एक बाबा टी का। वो सब तो अभी बंद होगा, खुला में एक यही है, इसलिए मैं आपको यहाँ आ गया दिखाने के लिए। ऑल राइट, तो देख लो ये हमारा ब्रेड टोस्ट आ चुका है और साथ में हम लोगों ने चाय भी बोला हुआ है, चाय भी आ ही रहा है। सुबह सुबह अगर इतना सिंपल ब्रेकफास्ट मिल जाए तो क्या ही कहना, ये ऊपर में मलाई है ना वो बेस्ट लग रहा है। तो यहाँ का ब्रेड टोस्ट भी आप ट्राई कर सकते हो, काफी सही है। ब्रेड जो है उसको काफी अच्छे तरीके से टोस्ट कर दिया गया है, साथ ही ऊपर में मलाई और चीनी है, मजा आता है खाकर इसको। और अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूँ ना, ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ना, ये राइटर्स बिल्डिंग है, इसके जस्ट अपोजिट में ही है ये कोना दुकान। देखो इनका चाय कैसा है, सुबह सुबह ऐसा चाय मिलेगा तो भाई मजा ही आ जाएगा। हम लोग तो सोच रहे थे गुप्ता का चाय हम लोग को अभी मिलेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ का चाय पी के भी वही मजा है। और इनके चाय से पता चल रहा है ना कि लोगों ने जो चाय पत्ती यूज किया है ना उसका क्वालिटी बेस्ट है।
तो अभी हम लोग अपने पहले लोकेशन से तो निकल गए हैं, पहले क्या भाई दूसरे लोकेशन से, पहला वाला तो फेल हो गया, दूसरे लोकेशन से निकल गए हैं चाय और मलाई टोस्ट खाकर। अब जा रहे हैं अपने तीसरे लोकेशन पे क्लब कचौड़ी खाने के लिए। तो हाँ जी, अच्छा कचौड़ी कहाँ मिलता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और कचौड़ी का कोलकाता में बहुत सारा ऑप्शन है, इतना सारा ऑप्शन है ना कि मैं टॉप 10 या फिर टॉप 20 कचौड़ी पे ही वीडियो बना दूं। और आपको याद होगा रात में मैंने स्काईलाइन दिखाया था, अभी दिखाऊंगा आपको कैसा दिख रहा है वो स्काईलाइन। यहाँ पे सुबह सुबह सब रनिंग करने के लिए आए हुए हैं। तो याद होगा कल वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को रात के टाइम ये स्काईलाइन दिखाया था, और अभी सुबह सुबह ये नजारा देख लो, सुबह का तो अलग ही माहौल है। चक्कर में देखो हम लोगों ने अपना पैर भिगा लिया है। बहुत लोग बोलते थे सुबह उठा करो काफी अच्छा लगेगा, भाई सुबह जो नजारा मिला है ना हम लोगों को, ये चीज हम लोग को मोटिवेट कर रहा है कि हम लोग सुबह उठे। और एकदम बगल में ही देखो अभी डर लगा, लात ना मार दे। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लंबा ब्रेक हो गया, अब क्या करें, इतना अच्छा जगह है, रुकना तो बनता ही है। ये ब्रिगेड ग्राउंड है तो यहाँ पे जरूर आना। तो ये मेरे सामने देख लो विक्टोरिया मेमोरियल, तो मॉर्निंग वॉक के लिए अभी खुला भी हुआ है, अंदर में काफी लोग हैं, अभी काफी सही लग रहा है। आप लोग सुबह सुबह अगर आते हो तो यहाँ भी आ सकते हो। और वो जो विक्टोरिया मेमोरियल पे जो सनलाइट पड़ रहा है ना ये वाले पार्ट में, ये तो और भी अच्छा लग रहा है। तो एक चीज पता चला सुबह सुबह आकर, अगर आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए आ रहे हो ना तो वहाँ से टिकट ले सकते हो, सुबह से ही खुल जाता है ये। काफी लोगों मैंने देखा वहाँ से टिकट ले रहे हैं फिर अंदर जा रहे हैं वॉक पे, अच्छा है। मतलब राउंड मारो, इतने अच्छे नजारे के साथ मॉर्निंग वॉक करने का मौका मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे कचौड़ी खाने के लिए शर्मा टी आ गए हैं। यहाँ का क्लब कचौड़ी बहुत ही फेमस है, क्योंकि देखो वहाँ पे बन रहा है, और जलेबी भी फेमस है। तो हम लोग एक ही प्लेट लेंगे इसको, क्योंकि अभी बहुत कुछ ट्राई करना है हम लोगों को। तो ये देख लो, ये आ गया मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट, शर्मा टी का क्लब कचौड़ी साथ में जलेबी। जो क्लब कचौड़ी होता है ना, ये दिखने में छोटे छोटे साइज का होता है लेकिन पूरा पेट भर जाता है। लोग एक खा के लगता है आपने कुछ हैवी खा लिया है। जलेबी सुबह सुबह गर्मा गर्म जलेबी मिल जाए तो क्या ही कहना। ऑलराइट, अगर मैं इसके अंदर के स्टफिंग की बात करूँ ना तो इसके अंदर हींग तो है, हींग का एक फ्लेवर है, साथ में दाल भी है। एग्जैक्टली कौन सा दाल है नहीं बोल सकते, शायद उड़द का दाल है ये, कंफर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ लग रहा है वैसा। अच्छा है, अगर ब्रेकफास्ट में अगर कुछ अच्छा खाने का ढूंढ रहे हो ना, क्लब कचौड़ी आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। और अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूँ ना तो भवानीपुर जो SSKM हॉस्पिटल है, तो ये देख लो, ये है गुरुद्वारा, इसके जस्ट अपोजिट में ही है। यहाँ पे एकदम बलवंत सिंह ढाबा है, इसके जस्ट अपोजिट में ही है शर्मा टी। अदरवाइज आप बलवंत सिंह में भी जाकर चाय पी सकते हो, बगल में गुप्ता है वहाँ चाय पी सकते हो। हाँ जी, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो क्लब कचौड़ी और जलेबी ट्राई किया ना, जलेबी था 15 रुपए करके एक पीस, और क्लब कचौड़ी एक प्लेट 45 रुपए का। और इससे पहले मैं शायद प्राइस नहीं बताया था आप लोगों को चाय और मलाई टोस्ट का, टोटल 140 रुपए लगा था, दो चाय था हमारा वहाँ पे, दो मलाई टोस्ट था। ऑलराइट, तो अभी हम लोग पहुँच गए अपने तीसरे लोकेशन पे जो की है न्यू सौराष्ट्र निमकी हाउस। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट का तीसरा लोकेशन, ऐसा तो चौथा लोकेशन है ये। तो ये खमन है, बाय द वे ढोकला भी बोलते हैं यहाँ पे लोग, ये खांडवी। बाकी इनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, गाठिया वगैरह भी है, गर्मा गर्म गाठिया भी मिल रहा था। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं ये खांडवी। लहसुन वगैरह का चटनी भी दिया गया है इसके अंदर, पूछ के दिए वो कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हम लोगों ने बोला हाँ यार दे दो, नॉनवेज छोड़कर अभी कुछ भी दे दो। देखो खांडवी इससे पहले मैंने ज्यादा ट्राई किया नहीं है, इसको लेकर मुझे ज्यादा आइडिया भी नहीं है कि इसका एक्चुअल टेस्ट कैसा होता है, इसके टेस्ट को किसी और के टेस्ट के साथ कंपेयर किया जा सकता है या नहीं, या फिर ये सबसे बेस्ट है या नहीं, तो इसको लेकर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये मुझे दिख रहा था इसलिए मैंने ले लिया, लेकिन यहाँ का मैंने खमन या फिर ढोकला जो भी बोलो ये ट्राई किया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का, इसलिए मैं इसको दिखाने आया था। लेकिन खांडवी भी दिख गया सुबह सुबह, तो मैं बोला चलो इसको भी दिखा देता हूँ। तो अब ट्राई करते हैं इनका ढोकला और खमन। वैसे मैं बता दूं यहाँ पास में गुप्ता ब्रदर्स भी है, वहाँ का जो ढोकला है ना वो भी बहुत ही टेस्टी है, अलग ही स्वाद है भाई, अलग ही स्वाद है इसका। देखो हर जगह का ढोकला का अपना अपना एक फ्लेवर होता है, लेकिन यहाँ वाला ढोकला मैंने एक अलग ही बात है। और मेन पता है असली जादू क्या कर रहा है, ये चटनी असली जादू कर रहा है। एकदम स्पंजी सा, खट्टा मीठा, हर टाइप का फ्लेवर है इसमें। मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि कोलकाता का ये वन ऑफ द बेस्ट ढोकला या फिर खमन है। अगर मुझसे पूछोगे ना बेस्ट अभी तक का ढोकला और खमन मैंने कहाँ खाया है, वो तो अहमदाबाद में खाया है। लेकिन हाँ, अगर आप कोलकाता में बात करोगे ना, या तो सौराष्ट्र निमकी हाउस का ढोकला, नहीं तो गुप्ता ब्रदर्स का ढोकला, ये दो मेरा फेवरेट लिस्ट में है।
हाँ तो ये जो हम लोगों ने ढोकला लिया था ना पर पीस 15 रुपए करके था, हम लोगों ने 2 पीस लिया था तो इसका 30 रुपया, और वो जो खांडवी था वो 100 ग्राम 40 रुपए का था, बट हम लोगों ने 50 ग्राम लिया था तो 20 रुपया उसका था। ढोकला कैसा है? चटनी ही असली जादू कर रहा है यहाँ पे। तो वो जो देख रहा है ना आपको पिंक कलर का, वो फ्लोरीज है, वहाँ पे काफी अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलता है जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हो, काफी नाम भी है, 1927 से है ये, काफी लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट ट्राई करते हैं, लेकिन ये हमारे लिस्ट में नहीं था इसलिए हम लोग यहाँ नहीं जा रहे। जा रहे हैं अपने फोर्थ लोकेशन पे। ये जो लोकेशन है ना काफी फेमस लोकेशन है, यहाँ पे खुद अमिताभ बच्चन आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। चलो जाके दिखाता हूँ वो एग्जैक्टली कौन सा लोकेशन है। तो यहाँ पे देख लो सब घाट से वापस घर के ओर लौट रहे हैं, और ये आ गए हम अपने चौथे लोकेशन पे, प्रसिद्ध हिंगेर गोरम कचौड़ी सिंघाड़ा एवं गोरम लांचा, ये सब यहाँ पे मिलता है। बाकी भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पे आज, तो अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं फेमस हींग की कचौड़ी। तो ये जो जगह है वैसे इसका नाम है श्री कृष्णा मिष्ठान भंडार, जो रिगल सिनेमा है ना उसके जस्ट अपोजिट साइड में ही है ये। जैसा कि मैंने बताया ये जगह हाल फिलहाल ही फेमस हुआ, हाल फिलहाल नहीं, जब पीको मूवी का यहाँ पे कोलकाता में शूटिंग चल रहा था तब उस मूवी का पूरा टीम यहाँ पहुंच गया था। जैसे कि देख लो वहाँ पे अमिताभ बच्चन, और इनको आपने बर्फी मूवी में देखा होगा, नाम बोल रहा हूँ मैं इनका, तो ये लोग यहाँ आए थे यहाँ का फेमस हींग कचौड़ी खाने के लिए, और साथ में ये लेंचा। चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ का ये फेमस कचौड़ी है कैसा। साउंड अगर प्रॉपर ना आया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर है यहाँ पे। कोलकाता में जो कचौड़ी सब मिलता है ना उसका एक फेमस ये बात है ना कि वो चटनी के साथ मिलता है, और यहाँ पे लोगों को खाने में थोड़ा मीठा खाना पसंद नहीं है। बढ़िया बढ़िया, सब्जी ऐसे खाने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन कचौड़ी के साथ और चटनी मिक्स करके खाने में मजा आता है। अब मैं देखूँ यहाँ का फेमस लैंगचा खाकर, वैसे तो मैंने शक्तिपुर का भी लैंगचा खाया है जो कि बहुत ही फेमस है जो कि बर्धवान साइड में है। ट्राई करते हैं देखते हैं कैसा है, गर्म भी है और टेस्टी भी है, बढ़िया है ये, मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा लैंगचा इनका, मुझे वाकई में बहुत ही अच्छा लगा। शक्तिगढ़ वाले से कंपैरिजन नहीं कर सकता मैं लेकिन ये अच्छा है, कचौड़ी तो अलग ही टेस्ट है यार, सही है मतलब बेस्ट। ऑल राइट, तो जो अभी हम लोगों ने कचौड़ी खाया ना हींग कचौड़ी 40 रुपए प्लेट है 10 रुपए पीस, और ये जो अभी हम लोगों ने लैंगचा खाया ये 9 रुपए पीस है। रसगुल्ला कितने करके? 10 रुपए। और ये जो रसगुल्ला दिख रहा है ना ये 10 रुपए करके पीस है। हाँ जी, तो अभी हम लोग यहाँ से कचौड़ी ट्राई करके निकल गए हैं, तो ये हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पे था। कचौड़ी का टेस्ट मैं बोलूंगा अच्छा है इनका, लेकिन अंदर में थोड़ा मेंटेनेंस का बहुत ज्यादा जरूरत है। चेयर जो सब था इनका बैठने वाला एकदम पुराना स्टाइल वाला ही था, थोड़ा मेंटेनेंस कर देंगे तो अच्छा लगेगा, बाहर में एक बोर्ड भी लगा देंगे ना अच्छा लगेगा, क्या है इतना तो कर ही सकते हैं, इतना अच्छा लोकेशन में है ये। ये जो पीछे व्हाइट बिल्डिंग दिख रहा है ना आपको ये ओबराय होटल है। लोकेशन तो नो डाउट इनको बहुत अच्छा मिला है, और मैंने सुना है एक टाइम में इनका जो सब्जी होता है ना वो बहुत फेमस था, वही लोग खाने दूर दूर से आते थे, लेकिन काफी लोग बोलते हैं कि अब पहले ऐसा टेस्ट नहीं रहा। मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया ना तो मैं जज नहीं कर पाऊंगा पहले कैसा था अभी कैसा था। चलो अब जाते हैं अपने पांचवे और लास्ट लोकेशन पे। तो अभी सुबह का 8 बज रहा है, कुछ ऐसा ट्रैफिक है अभी यहाँ पे, इससे ज्यादा रहता है 8 बजे, ऐसा छठ पूजा है इसलिए अभी ट्रैफिक थोड़ा कम लग रहा है। ऑल राइट, तो लास्ट जो हम लोगों ने कचौड़ी ट्राई किया था ना उसके बाद हम लोगों ने एक ब्रेक लिया। एक्चुअली क्या है देखो, जो हम लोगों ने लिस्ट में अपना रखा था टॉप 5 ब्रेकफास्ट का, एक ऐसा जगह था जो उतना सुबह खुला नहीं रहता है, वो 10-11 बजे के बाद ही खुलता है, इसलिए हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया था। अभी हम लोग घर गए, थोड़ा रेस्ट लिए, फिर फ्रेश होकर वापस से आ गए हैं, और आए कहाँ पे देख लो, मद्रास टिफिन, यहाँ का साउथ इंडियन खाना भाई साहब बहुत ही अच्छा होता है। आपने देखा होगा मैंने एक फ्राइड इडली दिखाया था, यहाँ का डोसा, यहाँ का इडली, हर कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इडली सुबह ब्रेकफास्ट में हम लोग कभी कभी यहाँ से, जब पापाइदा का सुबह सुबह यहाँ पे काम रहता है ना, हम लोग यहाँ से जब भी सुबह क्रॉस करते हैं ना यहाँ का इडली जरूर ट्राई करते हैं। और वैसे एक और बात मैं आप लोग को बता दूं, कोलकाता में ब्रेकफास्ट में लोग ज्यादातर कचौड़ी खाते हैं ना, मैक्सिमम आदमी हर जगह आपको कचौड़ी मिलेगा, गली गली में, गली गली दुकान में कचौड़ी सब्जी मिलता है, और उसके अलावा पिटाई पराठा भी यहाँ पे उतना नहीं है, अंदर गांव के साइड में। हाँ, यहाँ पे था एक टाइम में लेकिन अब वो ट्रेंड खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पे दिखाने जाऊँ कि कहाँ अच्छा अच्छा पूरी सब्जी मिलता है, कचौड़ी कहाँ अच्छा अच्छा मिलता है, तब तो ये कचौड़ी ब्लॉग हो जाएगा। कचौड़ी यहाँ पे सामने ही मिलता है, हम लोगों ने तो कितना अच्छा अच्छा छोड़ दिया। फिर सब दिखाने में तुम्हारा हरिदास मोदक है, हरिदास मोदक महाराजा है, फिर तुम्हारा बूटी राम है, बहुत सारा ऑप्शन, मतलब कचौड़ी ब्लॉग ही बन जाएगा ये, अगर हम लोग कचौड़ी पे सिर्फ बना रहे हैं। हरगंज बाजार में अंदर में दाल पूरी देता है वो तो बहुत अच्छा, और जो आप बता रहे थे ना कदम सरसों तेल वाला कचौड़ी। बाकी चलो हम लोग अपना लास्ट और पांचवा नंबर ब्रेकफास्ट
करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे मेन्यू में तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इडली ट्राई करने आए, तो इडली आपको दिखाएंगे। हम लोगों ने ये एक नॉर्मल इडली लिया है, दूसरा एक फ्राइड इडली। ये दोनों इडली हम लोग को बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो इधर का जब भी हमारा चक्कर लगता है तो हम लोग यही इडली खाते हैं या फिर डोसा। तो देख लो ये हमारा फ्राइड इडली आ चुका है, और ये जो न्यू मद्रास टिफिन है सुबह 10 बजे से ही खुल जाता है, तो सुबह 10 बजे आपको ये मिल जाएगा, ये या फिर नॉर्मल इडली भी यहाँ का। और एक बात, यहाँ का डोसा भी बहुत अच्छा होता है, लंच टाइम में आ रहे हो ना तो यहाँ का अनियन डोसा मसाला डोसा जरूर लेना। लेकिन ये जो वीडियो है ब्रेकफास्ट पे, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो देख लो ये नॉर्मल स्टीम इडली है और ये फ्राइड इडली है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं ये स्टीम वाले इडली से, एकदम वो स्पंजी सा इडली है, साथ में वो जो इडली में खट्टा सा फ्लेवर होता है ना, हल्का खट्टा सा जो अच्छा लगता है, एकदम ड्राई ड्राई सा इडली नहीं है ये। और यहाँ का ये नारियल वाला चटनी तो क्या ही बताऊँ। और एक यहाँ पे एक और चटनी मिलता है, ये लाल चटनी, ये थोड़ा तीखा टाइप का चटनी होता है। अब ट्राई करके दिखाता हूँ आप लोगों को इनका फ्राइड इडली, ये बहुत ही अच्छा है। ये देख कुछ इस टाइप का इनका ये इडली है, बहुत ही बढ़िया लगता है। थोड़ा बहुत पता है कैसा लगता है, वो जो आप लोग खाते हो ना बड़ा फ्राई बड़ा, थोड़ा वैसा लगता है, लेकिन अंदर में वो इडली वाला कॉम्बिनेशन मस्त, एकदम अंदर से स्पॉन्जी सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अलग ही है ये, एकदम डिफरेंट है ये। इडली तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ का, लेकिन ये जो फ्राइड इडली है ना, ये मेरे को हमेशा अपने तरफ खींचता है। जब भी ऐसा कुछ फ्राइड इडली खाने का मन होता है तो हमेशा न्यू मद्रास टिफिन का ही याद आता है। हाँ जी, तो हम लोग ये न्यू मद्रास टिफिन से ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं, और ये हमारा 5वां और लास्ट ब्रेकफास्ट था। एक्चुअली ये 6 नंबर था, एक तो हम लोग का सुबह सुबह ही धोखा हो गया, जिसके लिए हम लोग उठे थे, इतना नींद खराब किए थे, नहीं तो हम लोग 7-8 बजे में निकलते तो आराम से काम हो जाता। हम लोग स्पेशली उसके लिए ही सुबह 6 बजे पहुंचने के लिए हम लोग सुबह 5-4 बजे से रेडी हो गए थे। कोई बात नहीं, होप कि आप लोग को कोलकाता का टॉप 5 ब्रेकफास्ट देखकर अच्छा लगा हो। वैसे हम लोगों ने अभी बहुत कुछ नहीं दिखाया, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हम लोगों ने क्या क्या मिस कर दिया और क्या क्या हमें ऐड करना चाहिए। होप कि आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होना तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चलो बाबा, ठेकुआ खाते हैं। Rap, 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 rap.